गांव में एक पुराना खंडहर था। गांव के निवासी रात होने पर वहां नहीं जाते थे। लोगों का ये कहना था कि वो एक श्रापित खंडहर है। उसी गांव में राजू और माटू नाम के दो शराबी रहते थे। वे पूरा दिन गांव में शराब पीकर घूमते रहते और सबको तंग करते। सभी गांव वाले उनसे बहुत दुखी थे। माटू भाई, आज मेरी तनख्वाह मिली है, आज तो इंग्लिश दारू पियेंगे। क्या सच कहते हो भाई, आज तो मजा ही आ जाएगा। पर जल्दी चलो, शराब के ठेके पर शाम हो चुकी है। लौटते हुए कहीं रात हो गई तो उस खंडहर के पास से निकलना होगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। चल फट्टू, आज हम इंग्लिश दारू पीकर शहंशाह बन जाएंगे। कोई भी भूत और चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर वे दोनों शराब पीने के लिए शराब के अड्डे की ओर निकल जाते हैं। शराब पीते पीते उन्हें रात हो जाती है और वे खूब नशे में हो जाते हैं। वे झूमते झूमते अपने घर की ओर वापस आने लगते हैं। आते आते वो खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। माटू भाई, बुला भूत को, आज तेरा भाई भूत से लड़ाई करेगा। हाँ राजू भाई, मैं भी लड़ूंगा भूत से, मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं दुनिया में पूरी। फिर वे दोनों नशे में आवाजें लगाने लगते हैं। ओए भूत, भूत काहे बे भूत, निकल बाहर खंडहर से, कर हमसे मुकाबला। भाई लगता है भूत डर गया हमसे। तभी खंडहर में से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वाह, भाई लगता है भूत हमें अंदर बुला रहा है, चलो जरा इसे पीट कर आए। वे दोनों खंडहर में घुस जाते हैं। उनके घुसते ही खंडहर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और बहुत सारे चूहे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। राजू भाई, यहाँ तो चूहे भरे पड़े हैं। गांव के लोग खामोखां इस खंडहर से डरते हैं। चलो वापस चलते हैं, सबको अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाएंगे। फिर जैसे ही वह वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, उनके सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा होता है, जिसका धड़ इंसान जैसा और मुंह चूहे जैसा होता है। उसको देखते ही दोनों का नशा उतर जाता है। वे दोनों कांपने लगते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो कौन लड़ना चाहता है तुम दोनों में से मुझसे? बाहर से बहुत चुनौतियां दे रहे थे ना, आओ करो मेरा मुकाबला। महोदय, मेरे मुंह से निकल गई, ये माटू ही है, मैंने इसके कहने पर ही आपको ललकारा। मैं तो नशे में था, आप तो इतने ताकतवर हैं, भला मेरी कहाँ हिम्मत। ये माटू ही है, आप इसे रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए चूहा राक्षस जी। हरामखोर, मुझे फंसा रहा है। महाराज, ये राजू ही था, मैं तो इससे पहले ही कह रहा था कि रात होने पर यहाँ से नहीं जाएंगे, पर ये नहीं माना। आप इसे रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए चूहा राक्षस जी। शराब के नशे में योद्धा बन रहे थे। चलो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त राक्षस जी? मैंने बहुत दिनों से किसी इंसान का स्वाद नहीं चखा। तुम दोनों थोड़ा थोड़ा खून मुझे पिला दो, अपने हाथ या पैर से, बस फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजू भाई, लगता है ये हमें मूर्ख बना रहा है। हम इसे अपना हाथ देंगे खून पीने के लिए तो ये हमारा हाथ ही खा जाएगा। हम भूत कभी झूठ नहीं बोलते, मैं बस थोड़ा सा काटूंगा। फिर वे दोनों अपना अपना हाथ उसके आगे करते हैं डरते हुए, और वह भूतिया चूहा दोनों के हाथ से थोड़ा थोड़ा खून पीता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। वो खंडहर से बाहर निकल जाते हैं। मूर्ख शराबी दोनों,
इन्हें पता ही नहीं लगा कि मैंने इनके हाथ पर काट कर अपना हंता वायरस इनके अंदर छोड़ दिया है। अब ये भी चूहा बन जाएंगे और इनकी मदद से मैं पूरे गांव में अपना हंता वायरस फैला दूंगा। वे दोनों भी घर पहुंचकर नशे में होने की वजह से सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर मैं तो तंग आ गई हूँ, पूरा दिन शराब पीता है, रात भर सोता है, घर वालों की कोई चिंता नहीं है। हे ईश्वर, कैसा पति दिया है मुझे, क्या पाप हुआ था मुझसे। फिर वह राजू के कमरे में जाती है और वहाँ का नजारा देख उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजू एक बड़ा सा चूहा जैसा बन गया होता है। वह जमीन पर अपने पैर और हाथ के सहारे बैठा हुआ अनाज खा रहा होता है। उसके शरीर पर चूहे जैसे बाल निकल जाते हैं, आगे के दो दांत लंबे हो जाते हैं, आंखें एकदम लाल और नाक चूहे जैसी लंबी हो जाती है। राजू रानी को देख तुरंत झपट कर उसे काट लेता है। रानी की चीख निकलती है। उसकी चीख सुन आसपास के पड़ोसी तुरंत उसके घर की ओर भागते हैं। राजू लोगों को आता देख चूहे की तरह छत पर बने टांड में घुस जाता है। लोग देखते हैं, रानी जमीन पर पड़ी होती है और उसके पैर से खून निकल रहा होता है। अरे दैया, ये क्या हो गया रानी को, इसके पैर से तो खून निकल रहा है। हैं बहन, मैं थोड़ा नजदीक जाकर देखती हूँ, मुझे लगता है इसे किसी सांप या जंगली जानवर ने काट लिया है, चलो इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, रानी भी चूहे में बदलने लग जाती है। यह देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते वक्त वे राजू का घर बाहर से बंद कर देते हैं। हंता वायरस से एक और शिकार बन गया है अब मेरे मालिक का। अब मैं पूरे गांव को हंता वायरस से चूहा बना दूंगा। उधर माटू की पत्नी की आंख खुलती है तो वह देखती है उसका पति भी चूहा राक्षस बन गया होता है। पर वह समझदारी से शोरगुल न करते हुए उसे कमरे में बंद कर बाहर निकल जाती है। बाहर आकर उसे राजू और उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है। वो सबसे कहती है, हम सबको समझदारी से काम लेना होगा, मेरा माटू भी एक भूतिया राक्षस जैसा बन गया है, पर वो बहुत आलसी है इसीलिए अभी तक सो रहा है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, हम सबको तुरंत गाँव के डॉक्टर के पास चलना चाहिए। फिर वे गांव के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हमारी मदद करिए। डॉक्टर उनकी बात सुनकर तैयार हो जाता है और अपना बैग उठाकर माटू के घर की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचने पर, जरा देखकर आओ, तुम्हारा राक्षस पति सो रहा है या जाग रहा है। वह खिड़की में से देखती है, वह सो रहा होता है। सो रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, कुछ लोग जाओ और उसके हाथ पैर बांध दो, मुझे उसका खून लेना है, उसी की मदद से चेक हो पाएगा कि क्या दिक्कत है। कुछ लोग माटू को बांध देते हैं, तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह भी राजू की तरह भयानक हो गया होता है। पर बंधा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर उसका खून निकालते हैं इंजेक्शन की मदद से। छोड़ो मुझे इंसानों, छोड़ो, मैं तुम सबको चूहा लोक में ले जाऊंगा। छोड़ दे मुझे पागल डॉक्टर, मैं सबसे पहले तुझे ही शिकार बनाऊंगा, तेरी खैर नहीं है डॉक्टर। फिर डॉक्टर माइक्रोस्कोप के नीचे उसके खून की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसके खून में हंता वायरस के जीवाणु मौजूद हैं जो सिर्फ चूहों में पाए जाते हैं। इसके अंदर एक खतरनाक वायरस है जिससे ये एक चूहा राक्षस बन गया है, ये जिसको भी काटेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इसका एंटीडोट वैक्सीन मेरे क्लिनिक में है, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। फिर डॉक्टर जल्दी से हंता वायरस का एंटीडोट लेकर आते हैं और माटू को लगाते हैं। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। फिर वे राजू के घर जाते हैं और देखते हैं कि राजू और उसकी पत्नी चूहा बनकर टांड पर बैठे हैं। डॉक्टर पहले चूहा बेहोश करने की दवाई कमरे में छिड़क कर उनको बेहोश करते हैं, फिर उन्हें भी एंटीडोट इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी देर में वे भी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। जी, आपने हमारी और हमारे गांव वालों की जान बचाई। फिर वे उन्हें उस रात की घटना बताते हैं।
हमें इस बीमारी की जड़ यानी खंडहर में छिपे मेन चूहा राक्षस को मारना होगा, नहीं तो वो किसी अन्य गांव वाले को भी शिकार बना सकता है। फिर वे सब टैंकर भरकर एंटीडोट ले जाते हैं और पाइप की मदद से पूरे खंडहर पर छिड़क देते हैं। वहां से राक्षस के तड़पने की आवाज आती है। थोड़ी देर में वह दम तोड़ देता है। इस तरह वे गाँव वाले हंता वायरस के प्रकोप से बच जाते हैं।